फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड अंजना गुप्ता। आज मैं आपके सामने स्वीट कॉर्न बनाने जा रही हूं, जो बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। इनमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो होता है कॉर्न। चाहे तो आप फ्रेश कॉर्न लेके उसके दाने निकालकर उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रोजन यूज कर सकते हैं। मैंने आज फ्रोजन यूज किया है, जिसमें मैंने 1.5 कप फ्रोजन कॉर्न लिया हुआ है। इसमें लगता है सॉल्ट 2 टेस्ट, चाट मसाला, जीरा पाउडर और चिली पाउडर। उसके बाद इसमें लगता है बटर, कोरिएंडर, लेमन। मैं अब आपके सामने इसको शुरू करने जा रही हूँ। अब मैं कॉर्न के लिए पानी को बॉईल करने जा रही हूँ। हाँ, जब पानी बॉईल होने लगता है तब हम कॉर्न को डाल देते हैं। कॉर्न को लगभग हम 5 मिनट तक पकाते हैं, बॉइल होने के तक, अच्छे होने तक। अब ये पानी में हमने डाल दिया है, अब इसको बॉइल होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये कॉर्न बॉइल होने लगे हैं, इसको लगभग 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही बॉइल करते रहेंगे। अब ये कॉर्न बॉइल हो गए हैं, अब मैं इसको छन्नी में रखकर छान देती हूँ। अब मैंने इसको छन्नी में रखकर पानी को सारा छान लिया है और कॉर्न को एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं गैस ऑन करती हूँ और कढ़ाई को गैस पे रखती हूँ। 1/2 टीस्पून बटर डालती हूँ और इसमें कॉर्न को डाल देती हूँ। ये कॉर्न को मैंने इसमें बटर के साथ डाल दिया। ये कॉर्न को मुझे तब तक फ्राई करना है जब तक बटर ना मेल्ट हो जाए। अब मैंने इसमें कोरिएंडर डाल दिया है। कोरिएंडर, बटर और कॉर्न को हम 2-4 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हो रहे हैं ये कॉर्न, बस ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसको हार्डली 2 या 4 मिनट तक ही फ्राई करना है। ज्यादा अगर कॉर्न फ्राई हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाते हैं, इसलिए बस इसको 2 या 4 मिनट तक ही फ्राई करते हैं। अब ये कॉर्न फ्राई हो गए हैं, अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसमें बाकी इंग्रेडिएंट मिलाती हूँ। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें 1/2 लेमन जूस पूरा डाल देती हूँ। ये मैं लेमन जूस डाल रही हूँ आधा। इसमें 1/2 टीस्पून मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून में इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। ये इसमें मैं चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और ये इसमें मैं जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी डिश है। ये आपको अधिकतर मॉल में या थिएटर में खाने को जरूर मिली होगी। आप इसको घर पर गरम गरम ट्राई करें और इंजॉय करें। थैंक यू।